आपका बड़ा रूम है और वो रूम भी खाली है और उसमें ज्यादा एक्वास्टिक ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी माइक जो है वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगी। आज हम वैसे ही एक माइक के बारे में बात करेंगे, ग्रेट साउंड, अफोर्डेबल प्राइस, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ मिलता है, बेहतरीन कलर है, डायनेमिक माइक है, इससे बहुत सारी चीजें जो हमें सॉल्व होती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ रिव्यू सीव्यू में। हम बात करने वाले हैं आज व्लॉगिंग के ऊपर, जिसका 100% अगर आप कंटेंट को अगर समझेंगे तो 50% जो है उसकी वॉइस है। अगर हम साउंड क्वालिटी को बेहतर कर ले, इसका मतलब हमारा 50% काम जो है वो डन हो जाता है। तो साउंड के लिए हम डिफरेंट माइक्स को यूज करते हैं। जैसे आपने अगर मेरी पिछली कुछ वीडियोस अगर आपने चेकआउट की होगी तो मैंने उसमें कई सारे माइक्स का अनबॉक्सिंग किया है। बोया का सिंगल कनेक्टर डुअल माइक है और ये लैबलियर या लेपल या इसको आप कॉलर माइक भी बोल सकते हैं, यानी कि ये कॉलर पे अटैच करके आप अपने डिवाइस में कनेक्ट करके आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी खासियत है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं कंडेंसर माइक। ये अलग अलग नाम जो टर्मिनोलॉजी आप सुनते हैं, टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, कंडेंसर माइक मुझे भी नहीं पता था पहले। जैसे जैसे मैं यूज करते गया, इन डेप्थ जैसे जैसे जाते गया, वैसे वैसे मुझे भी पता चलता गया और मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, कंडेंसर माइक, ये हम फिफिन का कंडेंसर माइक मंगवाए थे। सबका अपना अपना पर्पस है, अपना अपना यूज है। बेसिकली कंडेंसर माइक में क्या होता है कि इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि ऐसे सीधा ही आप रखेंगे तो इसमें वॉइस कैप्चर होगी और इसमें सराउंड जो साउंड है, जो बैकग्राउंड साउंड जो आती है, वो भी इसमें बहुत ज्यादा कैप्चर हो जाती है। तो इसीलिए आइदर एक ऐसा एनवायरनमेंट में आप इसे यूज कीजिए जहां पर बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही, तो इसमें आवाज आपको बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर रिकॉर्ड होगी। और हमने बोया BY-MM1 जो कि मैं हमेशा से यूज करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं आउटडोर शूट करता हूँ तो कैमरा के ऊपर मैं इसे ही माउंट करता हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत कार्डियोड माइक्रोफोन है। कार्डियोड का फायदा ये है कि जिस डायरेक्शन में इसका मुंह रहता है उसी डायरेक्शन में ये वॉइस को कैप्चर करता है और बाकी सारी वॉइस को ये रिड्यूस कर देता है। आपका रूम जो है वो थोड़ा छोटा हो और उसमें एकॉस्टिक ट्रीटमेंट अगर आपने बढ़िया से किया हो तो डेफिनेटली उस रूम में ना इको होगा और ना ही किसी प्रकार की रिबर्ब जो है, मतलब रिबाउंड नहीं करेगी। अगर छोटा रूम नहीं है और थोड़ा बड़ा रूम है और उस रूम में अगर आपके पास ज्यादा फर्नीचर नहीं है, जैसे कि फर्नीचर मतलब जैसे सोफा, 3-4 प्रकार की सोफा आपने लगाई हुई है, तो जब आप बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बड़ा रूम है और वो रूम भी खाली है और उसमें ज्यादा एक्वास्टिक ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, तब आपको क्या करना चाहिए, कौन सी माइक जो है वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगी। आज हम वैसे ही एक माइक के बारे में बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा सैमसंग Q2U USB XLR डायनामिक माइक, और ये डायनामिक माइक जो है मेरे रूम के लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो चलिए पहले हम इसे कर लेते हैं अनबॉक्स। बेसिकली जब भी कोई चीजें आती है तो हम क्या करते हैं, उसे ऑन कैमरा ही अनबॉक्स करते हैं, और कोई भी चीज जो हम मंगवाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए हम उसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग आपके साथ भी शेयर करते हैं। हम आपको हेल्प करते हैं यहाँ पर उन सारी चीजों का अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं जो कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए मंगाते हैं। कोई भी हमारी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होती है, ये भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आज जो डायनामिक माइक हम यूज करने वाले हैं, हम जानेंगे इसकी यूज, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी प्राइस, और कहाँ से खरीदनी चाहिए और क्या डिस्काउंटिंग हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूं इसे अनबॉक्स। मैं इसे करता हूं कट। टंटना, ये आ गया हमारा माइक सामने। यस फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं Q2U रिकॉर्डिंग एंड पॉडकास्टिंग पैक। ये क्रिएटर्स का सबसे पहला चॉइस है, मतलब अगर आप पॉडकास्टिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, म्यूजिक अगर आप करते हैं, सिंगर अगर आप हैं, या इवेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर अगर जूम कॉल वगैरह आप करते हैं, तो आप अपना वॉइस क्वालिटी जो है एक लेवल अप कर सकते हैं इसके माध्यम से। और इसमें लिखा है कनेक्ट एंड क्रिएट, मतलब आप डायरेक्टली इस माइक को आप अपने कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, या फिर अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है, इसमें ऑक्सिलरी USB और XLR तीनों ही कनेक्टिविटी है। ये सारी चीजें हम अंदर अभी देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की MRP जो है वो ₹10,990, लेकिन हमें इतने का नहीं पड़ा। डेफिनेटली ये तो आप भी जानते होंगे कि MRP कुछ भी
मेंशन हो, लेकिन हम उतने में बाय नहीं करते हैं, तो हमारे को क्या पड़ा, इसकी कॉस्ट क्या है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं इस डब्बे को खोल देता हूं। ये खुल गया हमारा बॉक्स, और सबसे पहली चीज जो इसमें से निकलेगी वो ये है किताब। तो हमेशा हर किसी प्रोडक्ट के साथ आती है मैनुअल बुक, सारी चीजें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए विंडशील्ड आप इसे कह सकते हैं। देन ये इसका स्टैंड एक्सेसरीज जिसको हम कह सकते हैं ये, और ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर आप इसे माउंट करके आप बातें कर सकते हैं, राइट। ये एक केबल है यूएसबी केबल जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर माइक को, और काफी लंबी अच्छी मजबूत केबल है, माइक में लगेगी ये, आपके लैपटॉप में लगेगी, और डायरेक्टली कनेक्ट करिए और बात करना शुरू कर दीजिए। और ये दूसरी, अगर आप ऑक्सिलरी यानी कि अगर इवेंट्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये पोर्ट भी आपको दिया गया है, इसे भी आप ऑन स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये 6 फुट से ज्यादा की है, काफी अच्छी है। और हमारा शो स्टॉपर बाहर आ चुका है, अब हम इसे देख लेते हैं। यस, ये हमारी माइक है फ्रेंड्स, इस पे आप इसे खूबसूरत बनाने के लिए यूं इसे कपड़े पहना सकते हैं। यहाँ पर पहले तो दिया गया है ऑन एंड ऑफ का स्विच, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें पता चल सके कि माइक ऑन है कि ऑफ है। और उसके बाद Q2 USB ये ब्लिंक करते रहेगा यहाँ पर इस तरीके से जब ये चलता है तो। और यहाँ पर आपका एक छोटा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडफोन का यहाँ पर मार्क दिया हुआ है, और यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का ये जो बटन दिया गया है इससे ये पता चलता है कि आपका जो ईयरफोन पे जो साउंड है उसे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग। जब आप इसे साउंड को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो आप उस समय साउंड को अप एंड डाउन कर सकते हैं माइक्रोफोन के साउंड को, राइट। अब हम चलते हैं इसके कनेक्टर की ओर। देखिए ये ऑक्सिलरी पोर्ट है जहां पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बुंदिया आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑक्सिलरी पोर्ट में जाएगा, लेकिन हम यूज करेंगे अभी ये दूसरा हिस्सा जो है वो हमने लैपटॉप पे कनेक्ट किया और इसे हमने यहां माउंट किया। और ये जो माउंट करने के बाद हम इसे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, वी आर रेडी टू गो। मैंने फ्रेंड्स इसे कनेक्ट कर दिया है। ये माइक कनेक्टर है, ये इससे कैसे पता चलेगा, जब यहां पर आप ये लाइट जो है इसे आप देख पाएंगे। अब हमें इसकी ऑन एंड ऑफ स्विच को यूज करना है ताकि हम इसे ऑन करें। फ्रेंड्स अब ये एकदम ऑन है, और अब मैं जो भी बात करूंगा मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूं। और यहां पर आप देखिए छोटा सा हेडफोन जैक है जहां से आप अपने हेडफोन को यहां पर इसका इनपुट दे सकते हैं और हेडफोन से अपने साउंड को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो है XLR आउटपुट है जहां से ये कनेक्ट होता है XLR से। फ्रेंड्स सैमसंग Q2U इसकी अब हम चेक करेंगे साउंड क्वालिटी। इसे मैंने ऑन कर दिया है, ऑडेसिटी से रिकॉर्ड करता हूं अपना वॉइस, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके का इसका वॉइस क्वालिटी है, ठीक है। अब आप डिफरेंस मुझे बताएंगे नीचे कमेंट करके कि आपको ये डिफरेंस कुछ फील हुआ, ये डिफरेंस कुछ है या नहीं, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये है Q2U सैमसंग से। कितनी बेहतर और कितनी डिफरेंट है ये आवाज, ये अब आप लोगों को बताना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस आवाज में और इसके पहले वाली आवाज में कोई डिफरेंस फील हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप एक स्टार्टर हैं, डायनामिक माइक अगर आप यूज कर रहे हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड जैसे रोड श्योर वगैरह इस तरीके के ब्रांड पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, और अगर आप इनिशियली एक बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं अपने वीडियोस के लिए, तो आप इस माइक के लिए स्विच ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट जो हमें पड़ा दैट इज ओनली एंड ओनली 27% के डिस्काउंट के बाद 7,999 यानी कि 8,000 रुपये की ये जो प्राइस हमें पड़ी है। 8,000 रुपये में इससे बेहतरीन क्वालिटी जो है एज अ बिगिनर लेवल पे आपको इससे अच्छा क्वालिटी नहीं मिल सकता। तो मैंने तो मंगवा लिया फ्रेंड्स। अब मैं इसकी, जैसे मैंने आपको प्रोज बताया वैसे मैं आपको इसके कॉन्स भी बताऊंगा। कॉन्स में बस इतना ही है कि इस माइक को यूज करने के लिए पर्टिकुलरली आपको इसके पास जितने करीब आप रहेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन आवाज ये कैप्चर करके आपको देगा। जैसे मैं इसके जितने दूर चले जाता हूं तो इसकी आवाज और इसकी वॉइस क्वालिटी को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना कैप्चर। और अगर मैं
जितने नज़दीक आते जा रहा हूँ उतना वॉइस क्वालिटी को आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इसका वॉइस क्वालिटी है। और अगर मान के चलिए ये तो मेरा फ्रंट साइड पे है, अगर मैं इस माइक को आपके तरफ करता हूँ और अब मैं अगर इस माइक पे बात करता हूँ तो आपको ये भी सही अपने तरफ मोड़ लेता हूँ। मैंने जब इसे जितना भी मैं नज़दीक जा कर के इससे बात कर रहा हूँ तो ये उतनी ही खूबसूरत आवाज़ जो है ये आउटपुट जो है वो मुझे मिल रही है। तो ये वॉइस की जो क्वालिटी है ये आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ और हमेशा उसे पढ़ करके इंस्टेंटली रिप्लाई करता हूँ। अब इसकी जो बेहतरीन क्वालिटीज जो मुझे लगी, ग्रेट साउंड, अफोर्डेबल प्राइस, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ मिलता है, बेहतरीन कलर है, डायनेमिक माइक है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हमें सॉल्व होती है। तो ये माइक का रिव्यू आपको कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मेरे दोस्त। हमारे उत्साह को बूस्ट करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका ये दोस्त जो है वो हमेशा कोशिश यही करेगा कि और बेहतर वीडियो बनाए, लेकिन उसके लिए आपका ये जो सपोर्ट है ये हमेशा बनाए रखिएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं अल्प विराम दूंगा अपने आज के इस वीडियो को, फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले अनबॉक्सिंग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।